शानदार वैकेंसीज आपके बीच फिर से लेकर आ चुका हूं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, विज्ञप्ति भी दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करके जाना है। जॉब के नाम पे किसी भी बच्चे को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ना ही लिया जाएगा। ध्यान रखें, किसी भी अनजान व्यक्ति के चक्कर में न पड़े, बिल्कुल फ्री में नौकरी मिलेगी। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन है, इसके माध्यम से आपको पहुंचना है। इसके अंदर इंटरव्यू डेट और कहां पे आपको जाना होगा, दोनों जॉब लोकेशन पटना और जयपुर एयरपोर्ट, राजस्थान और बिहार के अंदर ये जॉब निकल के आई है, जहां पे एयरपोर्ट इन राजधानी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू देना है, जॉब ले लेनी है, दोनों के अप्लाई करना है। जाने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपको यहां पे अप्लाई करने करके जाना है। जो पटना का नोटिफिकेशन अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और टेलीग्राम पेज पे भी दे दिया है। अगर जयपुर एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो तो उसका भी नीचे लिंक दे दिया है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा, नोटिफिकेशन भी मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया है। पूरी डिटेल हम क्लियर तरीके से जानेंगे, यहाँ पे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एयरपोर्ट के अंदर आपको ऑपरेशन ऑफ अथॉरिटी जो कस्टमर सर्विस की वैकेंसीज है, इसमें तीन तरह के डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग एयरपोर्ट पे काम करना पड़ेगा, स्टाफ ग्राउंड के अंदर ही काम करना पड़ेगा। इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज है, इसके अलावा कस्टमर सर्विस की वैकेंसीज है और रैंप ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। पूरी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता क्या रखी गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, योग्यता क्या रखी गई है, ग्रेजुएट पास होना चाहिए। ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जाना चाहता है, 10th के पास ग्रेजुएट होना चाहिए, ये ध्यान रखें। जो बच्चा ग्रेजुएट है वो यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएट आपके पास योग्यता है तो यहाँ पे आपको नौकरी देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं आपका इंटरव्यू कब से रहने वाला है। 8 फरवरी 2024 को एक एयरपोर्ट पे रहेगा और 19 फरवरी 2024 को दो अलग अलग लोकेशन पे इंटरव्यू देने जाना है। हम नोटिफिकेशन के अनुसार भी पढ़ेंगे, विज्ञप्ति के ऊपर लेकर जाएंगे लास्ट के अंदर। 8 तारीख को कहाँ पे इंटरव्यू रहेगा और 19 फरवरी को कहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है, जाने से पहले अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फीस, कोई फीस नहीं है, ध्यान रखें, कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई है। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, फ्री में आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन मैंने पहले बता दिया, पटना और जयपुर राजस्थान के अंदर एयरपोर्ट पे भी जॉब देखने को मिल जाएगी, बिहार के अंदर भी आपको एयरपोर्ट पे नौकरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन 10th के बाद ग्रेजुएट कंप्लीट है, किसी भी सब्जेक्ट से है, आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई है, 18 से 27 के बीच है, कोई छूट एज करेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आयु सीमा चाहे किसी भी कास्ट से हो, कहीं से भी हो, 18 से 27 के बीच ही आपको पहुंचना है। ध्यान रखें, एग्जाम आपका नहीं होगा, साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती है, इंटरव्यू के माध्यम से। ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने हैं, रिज्यूम आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएट मार्कशीट, सभी कंपलसरी योग्यता सर्टिफिकेट और आपके स्किल के जो भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर जाने हैं। आपकी स्किल पे ही डिपेंड करेगा, इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होगा। इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन होंगे, जिसमें 10 बच्चों का जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार रहेगी, ग्रुप डिस्कशन करना होगा, 10 बच्चों का बना दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको चर्चा करनी होगी। उसके बाद अच्छा राउंड होगा, अच्छा राउंड में आपसे जो भी डिपार्टमेंट में काम रहेगा, किस तरह से पोजीशन रहेगी, जो एयरलाइन की पूरी जानकारी बताई जाएगी, और जो पर्सनल इंटरव्यू होंगे इसमें सारी के सारे आपके जो रिलेशनशिप है, जो आपका पीछे आपने जो जो काम किए हैं, जहाँ पे आपने अपनी योग्यता प्राप्त की है, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, आपको जो 8 तारीख का जो इंटरव्यू रहेगा, इनका 14 तारीख को ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, और जो बच्चा 19 तारीख को इंटरव्यू देगा, उनको 25 तारीख को ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। इंटरव्यू रहेगा, ज़्यादा नॉर्मली इंटरव्यू नहीं रहेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ना ही टफ इंटरव्यू रहेगा, ना नॉर्मल रहेगा, बीच वाला रहेगा। इंग्लिश और हिंदी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, आप एयरपोर्ट पे अगर काम करना चाहते हो। बिल्कुल निःशुल्क जानकारी है, किसी भी बच्चे को कोई पैसा नहीं देना। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, 10वीं 12वीं आईटी डिप्लोमा किसी भी प्रकार की योग्यता है, 8वीं पास है, उनके लिए भी मैं सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी प्रतिदिन बनाता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, आईटीआई वालों के लिए भी नौकरी देता हूँ। किसी भी तरह से आपके पास क्वालिफिकेशन है, 18 से 45 वर्ष के जितने भी युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से वैकेंसी जो, प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसी जो, रेगुलर 3 वीडियो यहाँ पे दी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को नौकरी का प्रिपरेशन का पता चल जाए
और मेरे जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं उनको फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड की जाती है, वहां पर भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। जॉब के नाम पर कहीं भी ऑल इंडिया में नौकरी के नाम पर पैसा नहीं देना है, बिल्कुल स्टिक जानकारी देता हूँ ताकि हर युवा साथी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि 3 वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब चाहते हो यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक आपको जाना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसी हो गवर्नमेंट सेक्टर से वैकेंसी हो आप लोगों के लिए फुल सपोर्ट है। तो जो भी भाई एयरपोर्ट स्टाफ ग्राउंड के लिए जाना चाहता है, बिहार पटना के अंदर राजस्थान जयपुर के अंदर काम करना चाहता है एयरपोर्ट पे, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, पैसा आपका एक नहीं लगेगा। जॉब के नाम पे इंडिको के अंदर वैकेंसी आई हुई है, इंडिको एयरलाइन के अंदर। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो